करीना के नवाब सैफ अली खान आज 52 साल के हो गए हैं और बेबो ने शोहर की दो अनसीन फोटो शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है। नवाबों वाला ठाट रखने वाले सैफ अपने लुक के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। इंडस्ट्री भी उन्हें पटौती नवाब ही कहती आई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें नवाब का टैग कब और कैसे मिला? चलिए इस पैकेज में आपको बताते हैं कि पटौदी खानदान को नवाब कब और कैसे कहा जाने लगा। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि सैफ अली खान पटौदी रियासत के 10वें नवाब हैं और उनके पिता मंसूर अली खान 9वें नवाब थे। पटौदी इतिहास के मुताबिक पटौदी खानदान का दबदबा अंग्रेजों के जमाने से ही नहीं बल्कि मुगल काल से रहा है। सैफ के पूर्वज अफगानिस्तान के थे और वो 532 साल पहले अफगानिस्तान से भारत आए थे और वो भड़ेंच काबिले से ताल्लुक रखने वाला उनका परिवार क्वेटा के उत्तर पश्चिम में रहता था। इस परिवार का पहला शासक सरदार शम्स खान को बताया जाता है, जिनका जन्म 1190 और मृत्यु सन 1280 में हुई थी। सन 1408 में सैफ अली खान के पुर के सलामत खान भड़ेंच दिल्ली के अफगानी सुल्तान बहलूल खान लोदी के समय अफगानिस्तान से भारत आए थे। उन्हें दिल्ली के आसपास मेवाती लोगों को काबू करने के लिए बुलाया गया था। बता दें कि लोदी वंश से ताल्लुक रखने वाले और दिल्ली का प्रथम अफगान शासक परिवार लोदियों का ही था। सलामत खान ने गुड़गांव, रोहतक, करनाल और हिसार में अपना दबदबा बनाया जब साल 1535 में सलामत खान की मृत्यु हुई। सलामत खान के प्रपोत्र पीर मोहम्मद खान सम्राट अकबर के दरबार में सलाहकार रहे। लगभग 200 साल इस परिवार ने उस जगह सैनिक सेवाएं दी जहां उन्हें लगा कि ये लड़ाई उन्हें पैसा और शोहरत देगी। सन 1800 आते जब तय हुआ कि अब अंग्रेज के हाथ में पावर होगी तो इसी खानदान से ताल्लुक रखने वाले अलफ खान ने परिवार समेत खुद को लॉर्ड लेक के समक्ष प्रस्तुत किया और अंग्रेजों की तरफ से होकर और मराठाओं से लड़े। उन्होंने मुगलों का कई लड़ाइयों में साथ दिया जिसके चलते ही राजस्थान और दिल्ली में तोहफे के रूप में जमीन मिली थी जिसमें पटौदी रियासत की स्थापना हुई। साल 1804 में लॉर्ड लेक ने इनाम के रूप में अल्फ खान के बेटे फैज तलब खान को पटौदी की जागीर के साथ न्यायिक व रेवेन्यू अधिकार भी दिए जिसके बाद से उन्हें नवाब की उपलब्धि मिली और इस तरह वो बने पटौदी के पहले नवाब। मौत के बाद उनके बेटे अकबर अली खान पटौदी के दूसरे नवाब बने जिन्हें आधुनिक पटौदी का जन्मदाता कहा जाता है। इस तरह पटौदी रियासत के पहले नवाब फैज तलब खान, दूसरे नवाब अकबर अली सिद्दीकी खान, तीसरे मोहम्मद अली ताकी सिद्दीकी खान, चौथे मोहम्मद मुख्तार सिद्दीकी खान, पांचवे मोहम्मद मुमताज सिद्दीकी खान, छठे मोहम्मद मुजफ्फर सिद्दीकी खान और सातवे नवाब मोहम्मद इब्राहिम सिद्दीकी खान रहे। इफ्तिखार अली खान हुसैन सिद्दीकी पटौदी रियासत के 8वें नवाब बने जो उस समय के मशहूर क्रिकेटर भी थे। सैफ अली खान उन्हीं के पोते हैं। इफ्तिखार के बेटे मंसूर अली खान और टाइगर पटौदी 9वें नवाब रहे। उन्हें लोग नवाब पटौदी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद सैफ को 10वें नवाब की पदवी मिली। हालांकि वो इस नवाब की पदवी को नहीं लेना चाहते थे क्योंकि सरकार इस पद को नहीं मानती, लेकिन इब्राहिम पैलेस में जब 52 गांवों के सरपंचों ने उनके सर पर पगड़ी बांधी तो लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने 10वें नवाब की उपाधि ली। पटौदी रियासत का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। यह हरियाणा की गुड़गांव, जिसे अब गुरुग्राम कहते हैं, से 26 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बसा है। नवाब परिवार का पटौदी पैलेस के नाम से महल भी है जहां अक्सर सैफ अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने जाते रहते हैं। इस महल में उनके पिता मंसूर अली उर्फ नवाब पटौदी को दफनाया गया था और उनके अन्य पूर्वजों की कब्र भी यहीं आसपास है। 10 एकड़ में फैला उनका पटौदी पैलेस 800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कीमत का है, जिसमें 150 से ज्यादा कमरे हैं और पैलेस का इंटीरियर ही काफी आलीशान है। सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी की मृत्यु के बाद महल को निमराना होटल्स को दिया गया था, जिसने इसे 2014 तक एक लग्जरी संपत्ति के रूप में संचालित किया था। इस पैलेस की एक झलक पाने को लोग बेताब रहते हैं।
अब तो आप जान गए होंगे कि पटौती रियासत में नवाबों का सिलसिला कैसे और कब शुरू हुआ। पैकेज अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।